क्या हुआ बाबा? अर्जुन, गिरे हुए आंसुओं के कतरे वापस नहीं उठाए जा सकते। तुम एक काम करो, तेज को भूल जाओ। रानी बिटिया। हाँ चाचा। देख सकता है भला कौन ये प्यारे आंसू? मेरी आंखों में ना आ जाएं तुम्हारे आंसू। राजा पापा, मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अगर आपने हमको मिलने से रोक लिया तो राजा पापा, मैं आपसे बगावत कर बैठूंगी। मैं आपसे बगावत कर बैठूंगी राजा पापा, मैं आपसे बगावत कर बैठूंगी। खान भाई, आप इतनी सोच में क्यों पड़ गए? तारीख इस बात की गवाही देती है कि बगावत की कहानियां कभी गुलाब जल से नहीं लिखी गई, ये हमेशा गरम खून से लिखी गई हैं, हमेशा गरम खून से। मेरी बात मान लो, मैं आज के बाद हर वक्त हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं वादा करती हूँ तेज। मुझे वादा नहीं, मुझे मुझे अर्जुन चाहिए, अर्जुन चाहिए मुझे। इतना भारी भारी सा है, दिल किसी करोड़ भी बहल नहीं रहा। अजीब जलन सी है, जैसे कुछ जलकर राख हो रहा हो। खान चाचा, तुम्हारे चेहरे पर भी हमें धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। बात दरअसल यह है कि हमारी बिटिया अपने काबू में नहीं है। क्या कहा? वो बागी हो चुकी है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप अपने महल न जाएं। क्या महल की दर दीवार हमें कबूल नहीं करेंगे? क्या महल की छतों से शोलों की बारिश हो रही है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अगर आप बारूद हैं तो बिटिया चिंगारी। जब बारूद और चिंगारी मिलेंगे तो धमाके जरूर होंगे। मैंने सारी जिंदगी उस महल की सलामती के लिए खुदा से दुआएं मांगी हैं और मैं नहीं चाहता कि अब वहां धमाके हों। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस इल्तिजा की आबरू रख लेंगे। राजा
रात में कौन आया है? लगता है कोई बहुत ही जरूरतमंद है। मगर राजा साहब तो महल में है नहीं, फरियादी से कह देना पड़ेगा कि वह लौट जाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज ऐसा पहली बार होगा जब किसी की फरियाद नहीं सुनी जाएगी। आज हम फरियाद सुनेंगे। फरियादी, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजा पापा, आप? आपकी ये हालत? पांव नंगे, सैकड़ों जूते होने के बावजूद कपड़े तार तार, सर पर एक उलझी हुई पगड़ी जो अभी गिरी कि अभी गिरी। हमारे अंदर की हालत यही है जो बाहर से नजर आ रही है, हर चीज टूटती गिरती नजर आ रही है। इंसाफ, इंसाफ चाहिए इस फरियादी पापा को जिसने तुम्हें पाला पोसा। वो आज इस खौफ से थरथरा रहा है कि वही बेटी उसे अचानक ठुकरा कर चल दी। बस पापा बस, आगे कुछ मत बोलिए वरना मेरा रोम रोम गुनेगार बन जाएगा। राजा पापा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पापा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पापा, अब आप जो चाहेंगे वही होगा। चलिए राजा, चलिए चलिए ना। अर्जुन, अर्जुन, ओ अर्जुन, 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 ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अर्जुन, लगता है तुम तेज को भूल नहीं पाए। पापा, आप भी तो मेरे बड़े भाई को नहीं भूल पाए जिसे गुजरे करीब 20 साल हो गए। मैं उसे भूल भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरी पहली औलाद थी और तेज मेरी पहली मोहब्बत है। राजा साहब, आपसे विनती है, अर्जुन और तेज के प्रेम को स्वीकार कर लें। फिर वही बात, फिर वही पुराना चेहरा, झोली में वही सूखे फूल, आंखों में वही बासी आंसू। क्या करें, अर्जुन की तड़प अब मुझसे देखी नहीं जाती राजा साहब, इसीलिए इसीलिए मुझे आना पड़ा। बलवान, तुम फिकर मत करो, आजकल का इश्क जन्मों का रोग नहीं है। वक्ती नशा है, शाम को होता है, सुबह उतर जाता है। तुम्हारा बेटा रोता है तो उसे रोने दो, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। गरीबों का रोना अमीरों का मजाक। राजा साहब, यह आपका जुल्म नहीं तो और क्या है? ये इंसाफ है हमारे लिए, औरों के लिए भी। राजा साहब, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि औलाद के आंसू बाप के दिल पर तेजाब की बूंद की तरह गिरते हैं और उसे छल कर देते हैं। इसके बाद भी आप ये कहते हैं कि उसे रोने दूं,
बताइए, आपका जुल्म नहीं तो और क्या है? आपका ये जुल्म मेरे बेटे की जान भी ले सकता है। राजा साहब, मैं धृतराष्ट्र नहीं जो अंधा बनकर अपने बेटे की मौत की खबर सुनने का इंतजार करता रहूं। फिर तो मैं इस जिंदगी को महाभारत समझ लूंगा, वो महाभारत जिसमें जीतना ही धर्म होता है, चाहे जैसे भी जीतो। लेकिन इस बार आपकी जीत नहीं होगी, नहीं होगी आपकी जीत, क्योंकि मैं अपनी औलाद की खुशियों के लिए लड़ूंगा और आप अपनी औलाद की खुशियों के खिलाफ। इस बार तो आपको झुकना ही होगा, हारना ही होगा। वैसे भी मैं अड़ियल से अड़ियल घोड़े को काबू में करके उसके पांव में नाल ठोकने के लिए पूरे इलाके में मशहूर हूं। जब हम कश लगाते हैं तो हमारे दुश्मन गश खाकर गिर जाते हैं। बाबा, बाबा ये खून, इतने खून तो बहते ही रहते हैं। एक बात सुन अर्जुन, जंग में प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार में जंग हुआ करती। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, जंग, जंग, जंग।